हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग लगवाने के आपके सिस्टम में क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, ठीक है। बट इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के ज्वाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद। और यहाँ पे आने के बाद आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको बहुत ही लो कॉस्ट में नोट्स मिलेंगे, 40% डिस्काउंट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारे तरफ से 24/7। आप ऑन डिमांड लेक्चर्स हमसे डिमांड कर सकते हैं, हम आपके डिमांड्स के ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे। एंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स दैट यू विल गेट व्हेनेवर यू विल टेक दिस मेंबरशिप प्लान, ठीक है ना। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइए। हमारे चैनल पे विजिट करने के बाद जो ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको इग्नू बीकॉम न्यू दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। और इग्नू बीकॉम का जो है पूरा का पूरा सिलेबस IBO1 BCOC 131 फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा, सेकेंड ईयर जो भी है आपका और थर्ड ईयर, सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप अच्छे तरीके से स्टडी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप आज अब जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी अकाउंटिंग जहां पे आप कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, करने की कोशिश करते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, है ना। तो इसको करने के क्या क्या फायदे हैं, चलिए फिर देखते हैं। Having learned the need for costing, its meaning and objects, and the difference between the cost accounting and financial accounting, ये मैंने already आपको बता दिया है. It should not be the difficult for you to list advantages and cost accounting. ये बकवास लिखा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान मत देना, हम directly advantages start करते हैं, ठीक है ना? An effective and organized system of costing helps. आपको कौन कहाँ कहाँ help मिलेगा? Continuous flow of information regarding production, cost, materials, labor, stores, plant machinery, etc., which assist output planning, है ना? तो आपको कॉन्टिन्यूस एक तरीके का जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है, आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचते रहता है, जिससे कि आपको पता रहता है कि आपका प्रोडक्शन, आपका कॉस्ट, आपका मटेरियल्स किस तरीके से काम कर रहा है, रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्लान कर पाते हो चीजों को। तो जो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग की करने का, कि आपका जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो बहुत ही कॉन्टिन्यूस हो जाता है और बहुत ही रैपिड हो जाता है, इन्फॉर्मेशन आप तक जो है बहुत ही आसानी से पहुंच पाती है। दूसरा पॉइंट है Identification of unproductive activities, loss of wastage of resources, obsolete machinery and points of inefficiency which demand a quick remedial action, है ना? तो यहाँ पे आप identify कर पाते हो कि ऐसी कौन-कौन सी activities हैं जो कि unproductive हैं, जिनका कोई फायदा आपको मिल नहीं पा रहा। यहाँ पे आप ये भी पता कर पाते हो कि किस तरीके से आप अपने resources के को wastage होने से बचा सकते हो, है ना। आपका कौन सा मशीनरी एब्सोलेट पड़ा हुआ है जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। आपको जो रिमेडियल एक्शंस लेने चाहिए, ये सारी की सारी जानकारियां जो है आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हो। तो सो दिस इज द सेकंड बेनिफिट और एडवांटेज यू विल गेट व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांटेज, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंपाइलेशन ऑफ करेक्ट एंड रिलायबल कॉस्ट डेटा, है ना। तो जो कॉस्ट जो डेटा होता है वो आपको जो है करेक्ट और रिलायबल मिल पाता है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करते हो, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांटेजेस की बात करते हो, राइट। फोर्थ पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड बिजनेस फॉरकास्ट, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यू कैन प्रिपेयर बजट्स एंड फॉर बिजनेस फॉरकास्ट, कि इन फ्यूचर बिजनेस जाके किस तरीके से काम करेगा, आपका बजट आप प्रिपेयर कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर का हमारा बजट कितना होने वाला है, मटेरियल पे हम कितना खर्च करेंगे, लेबर पे हम कितना खर्च करेंगे, ओवरहेड्स पे हम कितना खर्च करेंगे। तो ये सारी की सारी जानकारियां जो है आप कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ द फिफ्थ पॉइंट मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, है ना। तो जो भी वेरिएंसेस हैं जिसके कारण से आपके प्रोडक्ट में प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं या आपके प्रोडक्ट जो है बिक नहीं रहे हैं मार्केट में, तो क्या क्या ऐसे वेरिएंसेस हैं जिसके कारण से आपको दिक्कत हो रही है, आप उन सारी चीजों को अपने मेजर कर पाओगे अपने ऑपरेशन को, और यहाँ पे जो भी वेरियंसेस है आप उनको एनालाइज कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
Right. Now the sixth point is fixation of selling price. आप with the help of cost accounting आप अपने product के price को fix कर सकते हो कि हम अपने product का price जो है ये रखेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया cost accounting करके कि आपका जो है product का cost इतना आ रहा है, तो definitely आप उससे जो है 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए आप ज्यादा रखोगे ताकि आपको जो है profit हो सके, है ना. So fixation of selling prices is possible with the help of cost accounting. Now the seventh point, cost comparisons between periods, products, departments or firms. तो यहाँ पे आप cost को compare कर सकते हो, you know, एक period का दूसरे period के साथ, एक product का दूसरे product के साथ, एक department का दूसरे department के साथ, जो comparison होना चाहिए, ये comparison आप तभी कर पाओगे जब आप cost accounting को follow करोगे. तो cost accounting का एक सबसे बड़ा advantage यही है कि यहाँ पे आप comparative, you know, जो स्पिरिट है, जो कंपैरेटिव जो एडवांटेज आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, you know, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप कंपेयर कर सको. राइट. आठवां नंबर पॉइंट है एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन एडवांस, है ना. तो इन फ्यूचर जो भी आपके कॉस्ट एंड रेवेन्यू होंगे वो आप पहले से ही एक तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना. आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपका कॉस्ट क्या होगा और आपकी रिवेन्यू क्या होगी इन फ्यूचर. आप पहले से ही एडवांस में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. इन्वेंट्री कंट्रोल एंड पीरियोडिकल स्टॉक टेकिंग, है ना. तो आप विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो. जो भी स्टॉक्स आपके हैं, सपोज बहुत सारी चीजें आप खरीद रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उसका इस्तेमाल जो है बहुत ही धड़ल्ले से हो रहा है, एक दो दिन में स्टॉक जो है खत्म हो जा रहा है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि एक दो दिन में खत्म हो जा रहा है, या कितने दिनों में खत्म होगा, या कब खत्म होगा, उसकी क्वालिटी कैसी है, है ना. तो इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री के बारे में आपको सारी जानकारी जो है वो विद द हेल्प ऑफ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मिल जाती है. साथ ही साथ पीरियोडिकल जो स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए कि एक पीरियड में आपको कितना स्टॉक का जरूरत है. अब आप डेली तो सामान खरीद नहीं सकते ना, तो 3 महीने का सामान आपने एक ही बार में खरीद लिया, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, आप ये डिटरमाइन कैसे कर पाओगे कि 3 महीने का सामान कितना का है, कितने टन का है. ये पॉसिबल तभी है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग को करोगे, है ना. दसवां नंबर पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडल कैपेसिटी एंड द कॉस्ट ऑफ वर्किंग बिलो द इंस्टॉल कैपेसिटी. सो यहाँ पे आप एक तरीके से यू नो अपनी जो आइडल कैपेसिटी है आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, और आप ये भी चेक कर पाते हो कि जब हम यू नो जब अंडर परफॉर्म करते हो तो कितना लॉसेस जो है हमें झेलना पड़ता है. जो हम वर्क कर रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग है बिलो आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जब आप उससे कम काम कर रहे होते हो, मतलब आपकी कैपेसिटी अगर $100 की है, आप अगर $90 ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो $10 आपका हम इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका क्या असर पड़ रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. राइट. ascertainment of cost and profit more frequently and examination their cause in detail. यहाँ पे आप बहुत ही frequently पता कर सकते हो कि आपका product का cost कितना है, और आपके आपको अपने business में, अपने contract में, अपने project में आपको profit हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये आप बहुत ही frequently check कर सकते हो और examine कर सकते हो उनके causes को, कि ऐसे कौन से कारण है कि आपको आपकी किसी product की sale नहीं हो पा रही है, या हो रही है तो किस लिए ज्यादा हो रही है, ये सारी की सारी चीजें आप कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना. सो दीज आर द 11 यू नो बेनिफिट्स एडवांटेजेस. 12th नंबर भी कर लेते हैं, डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज फॉर वेरियस मैटर्स सच एज. अब विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप बहुत सारी चीजों के बारे में यू नो आपको पता चलता है, आप बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपको पता चलता है, और आप सूटेबल पॉलिसी यू नो ले पाते हो कि क्या क्या चीजें जो है आपको करनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं. अब वो लेवल ऑफ आउटपुट है कि आपका लेवल ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए, कितना है. मेक और बाय डिसीजन, प्रोडक्ट आपको बाय करना है या फिर प्रोडक्ट आपको बनाना है, कब बाय करना है, कब आपको बनाना है, ये डिसीजन आप ले पाते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, जो आपके पास इक्विपमेंट है, जो पुराने इक्विपमेंट है, आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको उसको मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, कब करना चाहिए, यू नो कितना खर्चा आएगा, ये सारी की सारी चीजें जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चल पाती है. शट डाउन और कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग डिप्रेशन, तो आपको अपने बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए डिप्रेशन में, या एक तरीके से उसको चलाते रहना चाहिए. इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, जो यू नो मैटर्स होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, आपको इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बनानी पड़ती हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड वंस, है ना. तो नया प्रोडक्ट क्या आपको मार्केट में लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पुराने जो आपके प्रोडक्ट हैं क्या उसको अभी भी मार्केट में रखना चाहिए, या फिर उन सबको हटा करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, ये सारी की सारी जो यू नो पॉलिसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं, इन सब का जवाब जो है आपको यू नो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है.
दो पॉइंट्स और हैं उनको भी कर लेते हैं। सिक्स नंबर पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, है ना। तो स्पेशल ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये भी एक स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर विथ मशीनरी, आपको अपने लेबर को मशीनरी के साथ रिप्लेस करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इससे समटाइम्स इफिशियंसी बढ़ती है बट समटाइम्स इनएफिशियंसी भी बढ़ती है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैंने अभी आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।